क्रिकेट में एज कैसे कम कराएं। आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस इंस्टाग्राम पे मेरे पास यही आ रहे हैं। कोई ये मैसेज कर रहा है कि मैं 11 साल 12 साल का हूँ, मेरा बच्चा है, मतलब गार्जियन के भी मैसेजेस आ रहे हैं, अगर उसका हम 2 साल कम करा देंगे तो एज बेनिफिट्स मिल जाएगा, क्योंकि 14 के ट्रायल में 16 के ऊपर के बच्चे आते हैं जब हम देखते हैं। और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो लेट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोई 17 साल की उम्र में या 18 साल की एज में एकेडमी जा रहा है, तो उसका क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं 2 साल कम करा लूँगा तो मुझे एज बेनिफिट्स हो जाएगा। तो क्या मॉडर्न टाइम में भी एज फ्रॉड पॉसिबल है, इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट आज बात करेंगे और रियलिटी बताएंगे आपको कि क्या एज कम कराया जा सकता है। जैसे पुराने क्रिकेटर्स क्या करते थे, पहले एज कम कराते थे, बहुत से क्रिकेटर कराते थे, आज भी कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो खेल रहे हैं एज कम करा के। ये रियलिटी है क्रिकेट की, हमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले क्रिकेटर कैसे करते थे वो हम बता दे रहे हैं। पहले क्रिकेटर ये करते थे कि जैसे क्या है, वो 10th या 12th होने के बाद फिर से एक बार एजुकेशन अपनी 8th या 9th से कर लेते थे। यही प्रोसेस था पहले क्रिकेटर्स का एज कम कराने का। लेकिन अब ये प्रोसेस टिपिकल है, ऐसा नहीं है कि हो, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अब फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों है, पॉइंट टू पॉइंट में बात करूँगा। मैं खासकर उन गार्जियनों को देखना चाहिए जिनका बच्चा अंडर 14 या 16 का है, जो मुझसे ये एडवाइस लेना चाहते हैं कि बच्चे की एज कम करा देनी चाहिए मुझे, क्योंकि उसको बेनिफिट मिल जाएगा। वो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस वीडियो में उनके लिए बताऊँगा, ठीक है। तो पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि पुराने क्रिकेटर्स कैसे कराते थे, वो एजुकेशन कर लेते थे तो उस समय आधार कार्ड नहीं था, ठीक है, आधार कार्ड नहीं था, और या बीच में ऐसा सिस्टम था आधार कार्ड में भी आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते थे, 2 या 3 बार कर सकते थे। लेकिन अब पहली पॉलिसी क्या हो गई है कि गवर्नमेंट की पहली पॉलिसी ये है कि अब आधार कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ एक ही बार अपडेट करा सकते हैं। तो जिन्होंने एजुकेशन जारी रखी, एजुकेशन बेकार हो जाएगी आपकी, अगर आप मान लीजिए 12th पास हो गए उसके बाद फिर से आप 8th में नाम लिखाते हैं, तो जो आपकी जो आगे वाली एजुकेशन होगी वो ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, और एजुकेशन से रिलेटेड भी, क्योंकि एजुकेशन का प्रूफ भी मांगा जाता है, या जो अदर स्टेट में ट्राई करते हैं वो ये कहेंगे कि हम यूपी से 8th की मार्कशीट बनवा कर अदर स्टेट में एडमिशन ले लेंगे। हम आपको बता दें, UDAS एक पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, जिसमें जितने भी एफिलिएटेड मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबकी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका डेटा फीड हो रहा है 2021 के बाद से। तो जो एज कम कराने की सोच रहे हैं, ऐसे कुछ लोग आए हैं जो 9th में नाम 8th में नाम लिखवा लिए होंगे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ या लिखवाने जा रहे हैं कि जब आप 8th या 9th में एडमिशन कराने लिखवाने जाएंगे, आप 2022 या 23 में पास होंगे, 10th अगर पास हुए हैं, तो जैसे ही आप 8th या 9th में एडमिशन कराने जाएंगे तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए UDAS पे स्कूल आपका वो करेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि नहीं, इसकी एजुकेशन यहाँ से भी है, डेट ऑफ बर्थ इनका ये है। ये UDAS पकड़ लेगा, BCCI नहीं पकड़ रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसीलिए ये अब टिपिकल हो रहा है, क्योंकि UDAS से पोर्टल पे डिलीट होना अभी मुश्किल का है, कॉलेज तो नहीं डिलीट कर सकता UDAS पे। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड होगी, और अंडर 14 के बच्चे जो हैं या 16 के बच्चे हैं जिनके गार्जियन ये करते हैं, तो एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, आपने मान लीजिए 4 साल उम्र कम करा दिया बच्चे का, 3 साल उम्र कम करा दिया, लेकिन जब अंडर 14 का बच्चा फाइनल ट्रायल में पहुंचता है, फाइनल टीम में जगह हुआ, तो उसका बोन टेस्ट होता है, 18 साल का बच्चा 14 साल का ऐसे रिस्ट लगा दिया जाएगा तो बता दिया जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपका मानूंगा कि ट्रायल्स में बड़े उम्र के बच्चे आते हैं, लेकिन जो खेलते हैं उनका देखिए, 14-16 की मैं बात कर रहा हूँ, 19 की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 19 में मेडिकल नहीं होता अभी, 19 में मेडिकल नहीं होता अभी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 19 में भी बड़े बच्चे आते हैं, ट्रायल्स में भी आते हैं और फाइनल टीम में भी खेलते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि बड़े उम्र के बच्चे भी 19 में खेलते हैं, लेकिन आप 14 की टीम देखिए, 16 की टीम देखिए, क्योंकि वहाँ बोन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये भी मैं मानूंगा 100% एक्यूरेसी नहीं है बोन टेस्ट की, लेकिन 90-95% एक्यूरेट होता है बोन टेस्ट, जिसमें बोन टेस्ट में ये हो सकता है ना कि 17-17.5 साल का कोई बच्चा है, कोई बोन टेस्ट में छट गया, कोई निकल गया, ये हो सकता है मैं मानूंगा,
लेकिन ऐसा नहीं है कि बोन टेस्ट में कोई 20 साल का बच्चा है वो अंडर 16 में बोन टेस्ट में ना पकड़ा जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बोन टेस्ट में अगर आपने उम्र कम करा दिया, जैसे 14 साल का बच्चा है, अंडर 14 का बच्चा है, आपने उसका एज कम करा दिया, उसके बाद अगर वो फाइनल टीम पहुंचा बोन टेस्ट में छट गया, तब उसका आप 14 भी ख़राब कर रहे हो उसके साथ साथ, क्योंकि वो 16 के लिए ओवरएज हो जाएगा, बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो फाइनल टीम में आने के बाद जब बच्चा नहीं सेलेक्ट होगा या बोन टेस्ट में छटेगा, तो आप भी डीमोटिवेट हो गया और बच्चा भी डीमोटिवेट होगा। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा स्किल ऐड करें बच्चे में, कोशिश करें। हाँ, एज बेनिफिट्स, अगर आपका बच्चा का पहले से ही 1-2 साल कम है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 15 साल का बच्चा है तो 14 के लिए एलिजिबल है, क्योंकि गार्जियन ने पहले ही नाम कम करा के लिखाते थे। पहले जो होता था कि 1 साल कम ही लिखाता था, तो वो बोन टेस्ट में 14-15 साल का बच्चा अंडर 14 के बोन टेस्ट में नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर 17-18 साल का बच्चा है, अंडर 14 का ट्रायल दे रहा है, तो ज़रूर फंसेगा, बोन टेस्ट नहीं क्लियर कर पाएगा। तो आप कोशिश ये करें, और जो एक चीज़ हम ये कर रहे हैं कि आपकी जो 19 के प्लेयर्स हैं या जिनकी उम्र 20-21-22 साल हो गई है, अगर एज कम कराना चाह रहे हैं, आप आधार में तो अपडेशन करा लोगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि आप ये चेक कर लीजिएगा UDIS पे आपका डेटा अपलोड है या नहीं है। अपने आप कॉलेज से बात कर ले, अगर UDIS पे अपलोड है तब आपके चांसेस बहुत कम है एज कम कराने के। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास यही आ रहे हैं कि एज कम कैसे कराएं। BCCI आपकी सिर्फ 3 चीज़ मांगती है, जन्म प्रमाण पत्र, एजुकेशन प्रूफ और आधार कार्ड, 3 चीज़ चेक करती है। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट आना चाहिए, अगर ये चीज़ें हैं तो ये जो आपका कम हो जाएगा। आप 20 साल के, अगर ये 14 साल का बनवा लेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल है क्या है? अगर ये पॉसिबिलिटी कर सकते तो आज एज कम करा लीजिए, यही प्रोसेस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यही पुराने क्रिकेटर्स या पुराने टाइम पे होता था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। तो आप एज अ गार्जियन हो या एज अ प्लेयर हो, स्किल ऐड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत से प्लेयर के माइंड में आ रहा है ना, 19 ओवर क्रिकेट ओवर। अगर आपके पास स्किल है तो 23 में कंपटीशन ज़्यादा है, आप इंडिया खेलने की सोच रहे हो और 19 की टीम में जगह नहीं बना पा रहे हो, तो ये तो वही बात हुई ना कि आप स्किल पे फोकस करी ना, आप सोच बड़ी रखो, स्किल ऐड करने पे सोचो। क्योंकि फिर हम बताएं, एज कम कराना है 3 ही चीज़ हैं आपको पास, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में BCCI यही चेक करता है ना, आपका डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन प्रूफ, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 3 साल की, पिछले 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें सेम डेट ऑफ बर्थ हो, और आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में तो अपडेशन हो ही जाएगा डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से, अगर आप चेंज कराना चाहते हैं। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, UDIS पे भी आपका डेटा अपलोड है। UDIS किसी एक स्टेट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब कि इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट से एफिलिएटेड, चाहे वो राज्य सरकार से हो चाहे वो केंद्र सरकार से हो, सबका डेटा UDIS पे फीड हो रहा है। अगर UDIS से आप डिलीट करा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर UDIS पोर्टल से आप डिलीट करा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज तो डिलीट नहीं कर सकता। अब पता करें आप UDIS से कहाँ से डिलीट होगा, अगर वहाँ से डिलीट करा सकते हैं तो आप फिर से एजुकेशन जारी रख सकते हैं, लेकिन फिर फंसेंगे आप, तो ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सोचिए मत, जब एज अ प्लेयर, एज अ गार्जियन आप सोचते बहुत ज़्यादा है ना फ्यूचर के लिए, आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में यही है, प्रैक्टिस अच्छे कीजिए, अच्छे जगह प्रैक्टिस कराइए, सारी फोकस बच्चे के स्किल पे लगा दीजिए। आप प्लेयर हैं तो अपनी स्किल पे लगा दीजिए, अगर स्किल पे लगा देंगे तो ज़रूर खेलेंगे। और कोई एडवाइस चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, तो इसीलिए जैसे मेरा कोई ऐसा नहीं है का आपको नीचा दिखाने की ज़रूरत है, सभी लोग करते थे, इसीलिए आज के भी गार्जियन ये सोचते हैं कि मैं भी अपने बच्चे की एज कम करा दो, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी उनको, क्योंकि सच्चाई से वाकिफ नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि अब मुश्किल है एज कम कराना, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाने इस पे भी। तो एज कम होना अब मुश्किल है, अब टफ है, पहले होता था। मैं भी ये एक्सेप्ट करूँगा कि पहले होता था और पहले के क्रिकेटर ये कराते थे, आज के 3-4 साल पहले ये नॉर्मल था, और 2-3 साल पहले जो करा लिए हैं वो खेल रहे हैं, ये मैं एक्सेप्ट करूँगा, ये रियलिटी है। लेकिन अब
अब जेन्युइन बच्चे ही खेलेंगे इन फ्यूचर, एक साल दो साल बाद तो जेन्युइन बच्चे ही खेलेंगे। तो इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़े, जो भी आपको आपकी जो भी हो क्वेश्चंस वो हमको आप मैसेज करें, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। तो इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़े जो भी, क्योंकि आपके बच्चे का की फ्यूचर की बात होगी, आपके फ्यूचर की बात होगी, तो जो हमको सही लगेगा वही हम बताएंगे आपको। एडवाइस जो भी हम देंगे वो एकदम एक्यूरेट देंगे और सही देंगे। जो भी कोशिश, मेरी कोशिश यही है कि आप फर्जीफिकेशन ना करें, मतलब फर्जीफिकेशन के चक्कर में फंसे ना। तो लीगल तरीका यही है, सही तरीके से कीजिए। फिर मैं वही कह रहा हूँ, एज कम कराने का यही प्रोसेस है। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट है तो कम करा सकते हैं, लेकिन ये टफ हो जा रहा है, मुश्किल।